नमस्कार मेरे प्यारे किसान दोस्तों, आज हम बात करने जाते हैं जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है सरसों का तेल, वो किस तरीके से पैदा किया जाता है। आज हम दिखाते हैं उसी की खेती। आइए देखिए, इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है। आज इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। अब देख सकते हैं ये एक लाही का खेत है। ये देखिए इस तरीके से होती है खेती इसकी, आप देख सकते हैं। आप जब अपने घरों में खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं वो इस तरीके से खेती की जाती है उसकी। देखिए देखिए इसकी ये पक चुकी है बिल्कुल। इसकी हार्वेस्टिंग आज हो रही है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल शुद्ध सरसों का तेल होता है। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कैसा दाना निकलेगा। आप देख सकते हैं, अभी दिखाते हैं आपको किस तरह की दाना निकलता है। देखिए ये थोड़ी हरी काटी जाती है ताकि इस खेत में काटने के बाद इसको 8 दिन तक सुखाया जाता है। फिर उसके बाद ये बीज बिल्कुल पक जाता है। बीज जब पक जाता है तो इसकी हार्वेस्टिंग इसके तेल के निकालने के लिए तैयार हो जाती है बिल्कुल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सूखा है। देखिए सूखा है, सूखी पली है, आपको दिखाते हैं। देखिए ये दाना है, ये दाना है, ये इसको इसके अंदर सरसों का तेल निकलता है। देखिए सरसों दो प्रकार की होती है, पीली और एक काली। इसको हम काली वाली सरसों हैं, काली वाली सरसों कहेंगे। आप देख सकते हैं पूरा खेती है एक ही वैरायटी का है, जो इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। इसको एक एकड़ में इसकी पैदावार कम से कम 10 क्विंटल से 15 क्विंटल तक हो जाती है। और ये बहुत ही अच्छी किस्म है, ये पाइनर 45 किस्म है, पाइनर 45-46 बोलते हैं इसे। इस तरीके से हम इस पूरे खेत को काट देंगे। देखिए इसके बाद हम इस पूरे खेत को काटने के बाद इस तरीके से उसको सुखाएंगे खेत में। खेत में सूखने के बाद ये कम से कम 10 दिन या 15 दिन तक सूखेगी। लगभग 10 दिन सुखाएंगे, 8 दिन सुखाएंगे। उसके बाद फिर हम सुखाने के बाद इसे मशीन में निकालेंगे ताकि कोई भी इसको जो भी फली गीली है वो सूख जाए आराम से। सूखने के बाद इसको हम मशीन में निकालेंगे, फिर इसका बीज अलग हो जाएगा और भूसा अलग हो जाएगा। फिर उसको बीज को हम लाई तेल के लिए लेकर जाएंगे मशीन में। फिर उस तेल को हम निकालेंगे, वो बिल्कुल शुद्ध तेल होता है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसको मशीन की हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको मशीन में कैसे निकाला जाता है। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जो अगली वीडियो आएगी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि मशीन से किस तरीके से इसको निकाला जाता है। पूरी फुल वीडियो देखने के लिए हम लिंक में उसको दे देंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस फली में काफ़ी बीज होते हैं। देखिए इस फली में कम से कम 10 से 15 बीज होते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए कुछ बीज गिर गए हैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें 8 बीज निकले हैं। ये बीज इतना मोटा है, सूखने के बाद ये काला और बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। इसी के अंदर सरसों का तेल निकलता है। देखिए आप, सरसों का तेल निकलता है। अभी देखिए ये हमारी लाई कट चुकी है, अभी मैं इसका बीज निकाल कर दिखाता हूँ आपको। देखिए इसका बीज हम दिखाएंगे आपको निकाल कर। देखिए आप देख सकते हैं ये सूखने के बाद ऐसा हो जाता है। ये सूखने के बाद देखिए बिल्कुल टाइट हो चुका है, ये फूटेगा भी नहीं, ये बहुत टाइट है। और देखिए ये पेड़ पर लगा हुआ है गीला, इसका दिखाते हैं आपको। देखिए देखिए आप देख सकते हैं इसमें गीली में और सूखने में कितना अंतर है। ये देखिए, अभी देखिए ये आज ही काटी है हमने, सूखने के बाद ऐसा हो गया है इसका बीज। बीज सूखने के बाद ऐसा हो जाता है और इसकी खेती में
काफ़ी फ़ायदा होता है। ये देखिए सूखने के बाद ऐसा हो जाता है और गीला ऐसा है, इसलिए इसको सुखाने के लिए ऐसे खेती की जाती है। 10 दिन या 8 दिन तक इसको सुखाएंगे तो सूखने के बाद ऐसा हो जाता है। जब पूरी खेती कट जाती है उसके बाद जब बीज सूख जाता है तो इसको तेल के लिए प्रोसेसिंग किया जाता है। देखिए आप देख सकते हैं कितने बीज हैं, ये बीज के लिए ये वाला बीज बिल्कुल तैयार है। इसे हम काली सरसों बोलते हैं। जो आजकल घरों में इस्तेमाल तेल होता है वो इसी बीज से निकाला जाता है। ये बिल्कुल शुद्ध तेल होता है, देख सकते हैं आप। देखिए सरसों की खेती, ये एक एकड़ में कम से कम 10 क्विंटल से 15 क्विंटल निकल जाती है, जिसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। एक दूसरी होती है वो एक एकड़ में 1 क्विंटल ही निकलती है, या एक एकड़ में 1 क्विंटल से 6 क्विंटल निकल जाती है, लेकिन ये एक एकड़ में 10 से 15 क्विंटल निकल जाती है, जिसकी खेती ज़्यादा अच्छी होती है। ये लगभग 5,000 रुपये क्विंटल बिकती है, 5 से 6,000 रुपये क्विंटल बिकती है। और जो पीली सरसों होती है वो लगभग 7 से 8,000 रुपये क्विंटल बिक जाती है। इसलिए किसान दोस्तों को मैं कहूँगा कि ये वाली किस्म सबसे अच्छी है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि किसान लोगों को फ़ायदा हो, खर्चा भी कम हो। हमारे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।